बाबा बोलो बोलो। अर्जुन और एकलव्य दोनों में फर्क क्या है? अर्जुन और एकलव्य, एकलव्य और अर्जुन दोनों में फर्क क्या है? वो राजा ही ठाट बाट में रहने वाला था बचपन में अर्जुन, और एकलव्य जंगली आदमी था, जंगल में रहने वाला भील था, राजा ही ठाट बाट में पढ़ाई नहीं पड़ता था। एकलव्य को पढ़ाने के लिए द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, कि हम इन राज घराने के बच्चों के साथ तुमको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। बातें यहां की हैं, ये सब एडवांस पार्टी में एकलव्य ही है, कांटों के जंगल में रहने वाले हैं, इनको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में से धक्का दे दिया गया, इनको पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती यहाँ, तुम्हारे मेहनत से बढ़िया नहीं। वो थी साहूकारों की पाठशाला और भीलों की है गरीब निवास गीता पाठशाला, यहाँ डायरेक्ट भगवान पढ़ाते हैं। एक वार्ता आपने बाबा ने कहा, जो बाप की दिल से नजदीक है, जो बच्चे बाप की दिल से नजदीक हैं उनको मन में कोई प्रश्न नहीं उठते। अगर वो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी जब बाप के सामने देखते तो देखने के बाद क्योंकि बाप को कम होना चाहिए वो आराम हो जाएगा, माना शांत हो जाएगा, सब प्रश्न खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा जो इतनी साल से वार्तालाप चल रहा है और इतने भाई बहन पूछ रहा है, वो बाप से बाप की दिल से नजदीक नहीं है, वो बाप की सहयोगी नहीं है, वो बाप की याद में उनको आंसू भी नहीं आती है। अगर है तो गीता में भी, संस्कृत गीता में भी है, भगवान वाच अर्जुनों वाच अर्जुन पूछते हैं और भगवान को समाधान देते हैं, और बाप 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 अपनाते हैं नष्टो महास्पटल अपना जो श्लोक भी है, करिष्ये वचनम स्थितोस्मि यथा संदेह करिष्ये वचनम तावत् नष्टो महास्पटल अपना प्रसादम कहा। गीता किसकी लिखी हुई है जिसमें बोला अर्जुन आवाज? मनुष्य वो गीता मनुष्यों की लिखी हुई है, लेकिन कुछ लोग उनको, और ये गीता भगवान भगवान की गाई हुई है, तो अंतर तो होगा। भगवान जो गीता गाई है उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चे भगवान अंतर्यामी है या बहिर्यामी है? शुद्ध अंतर्यामी है। जो अंतर्यामी आत्मा है वो बच्चों की दिल की बात को नहीं जानता, दिल में आने वाले प्रश्नों को नहीं जानता, इसलिए ये बात सत्य है कि बाप तो बच्चों के दिल की बात जानने के कारण समय के अनुसार ही सब प्रश्नों का जवाब देते हैं, टाइम के अनुसार पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने वाले बच्चे एक जैसे हैं क्या?
नंबर वन। मुख्य रूप में कितनी कैटेगरीज हैं? ब्राह्मणों की कितनी कैटेगरीज हैं? नौ धर्मों से कनेक्टेड है, नौ प्रकार के बच्चे हैं। तो सब तो बाप के दिल के नजदीक नहीं होंगे। तिरसठ जन्म में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे धर्मों में भटक गए होंगे। उन दूसरे धर्मों के धर्म पिताओं का, धर्म गुरुओं का संग लिया होगा या नहीं लिया होगा? कोई भी मूर्त हो, ब्रह्मा के बच्चे तो है ना, नौ पुरियों के ब्राह्मण तो है ना। तो संघ का रंग लेने के कारण उनके अंदर ये प्रश्न चित्त पैदा हो जाता है। बाबा तो सब बच्चों का उद्धार करने आए, में भी तो पॉइंट्स है। तो बाप आकर बड़ी सभाएं में नहीं पढ़ाते हैं, कुछ को पढ़ाते हैं, लाउड स्पीकर में पढ़ाई कभी नहीं होती रही। लाउड स्पीकर माने वो जो लगाए जाते हैं यंत्र, दूर दूर मीलों दूर लगा दिए जाते हैं, लाखों की सभा में बैठ करके महात्मा लोग वाणी चलाते हैं, दूर दूर तक आवाज नहीं पहुंच सकती है, उसका साधन लगाया जाता है। बाबा तो ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं में आते ही नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप्स बैठ करके बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 400-500 की सभा के बीच बोलते हैं। तब ऐसा है तो टीचर सभा कैसे पूछेंगे ऐसा बाबा बोली में? हाँ, ज्यादा बड़ी सभा होगी तो उसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा? यहाँ तो बाबा सबको फ्री करते हैं। वो महात्मा पंडित गुरु सन्यासी वो तो अपनी सभा में किसी को प्रश्नोत्तर करने का मौका नहीं देते हैं, और बाबा तो बाबा तो साहब को मौका देते हैं। हाँ जी, उन सभाओं में और बाबा की सभा में तो बहुत अंतर है। बाबा की सभा में भल वैरायटी बच्चे हैं, तो भी उनको पूरा मौका दिया जाता है। टीचर कैसे प्रश्न पूछते हैं? ऐसे जब टीचर प्रश्न पूछते हैं साइमल्टेनियसली बच्चे भी प्रश्न पूछते हैं ना बाबा? हाँ जी, तो इसलिए तो प्रश्न आना तो प्रश्न करना लेकिन मना इतनी बुरी बात तो नहीं है। कौन बुरी बात बताया? बाबा ने बुरी कहाँ बताया? बाबा तो कहते हैं जो अंदर कचरा है उसको, वो कचरे को अंदर अंदर घोटना अच्छा नहीं है। बाबा के सामने दिल खोल करके रख देना चाहिए। अंदर कचरा होगा तो बाबा के नजदीक दिल होगा या दूर रहेगा? इसलिए खोल करके कचरा सामने रखना चाहिए। तो सागर है, सागर में सारा कचरा डाल देना चाहिए। और माँ का बात बचाया और जो सहनशीलता जो है
तुमेव माता च पिता तुमेव जो कहा जाता है वो तुम युवाम यूयम तुम एक के लिए कहा जाता है, एक पर्सनालिटी के लिए कहा जाता है या दो के लिए कहा जाता है? तुमेव माता च पिता तुमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, ये एक पर्सनालिटी के लिए बोला या दो के लिए? एक पर्सनालिटी के लिए। तो दादा लेखराज के लिए ये बात साबित नहीं होगी, दादा लेखराज पिता साबित नहीं होता है। जब पिता साबित नहीं होता तो टीचर भी नहीं है, टीचर नहीं है तो सदगुरु भी नहीं है, वो सिर्फ है कहने में आया माता, क्योंकि तन पुरुष का है इसलिए माता भी साबित नहीं होता। ऐसा पर्सनालिटी चाहिए जिस पर्सनालिटी में माता का पार्ट बजाने वाली, सहन शक्ति को धारण करने वाली आत्मा भी पार्ट बजाती हो और बाप भी पार्ट बजाता हो। उस हस्ती का नाम दिया है बाप दादा, कंबाइंड रूप है। भक्ति मार्ग में अर्धनारी जो ऐसा आ गया है, आधा स्त्री का स्वभाव संस्कार और आधा पुरुष का स्वभाव संस्कार। स्वरूप ऐसा है जिसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि साथ में अलग से माता की पर्सनालिटी हो, तभी परिवार की पालना होगी। वो माता की पर्सनालिटी अलग से हो या ना हो, एक ही पर्सनालिटी में दोनों आत्माएं काम करती है। ज्ञान का बीज बोने वाली बाप की आत्मा भी है, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाने वाली बाप की आत्मा भी है, और फिर पालना देने वाली माता का पार्ट भी है। इसलिए ब्रह्मा में प्रवेश करके जो पार्ट बजाया वो त्वमेव माता च पिता की लिस्ट में नहीं आता है। और मुरली में भी कह दिया, इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। और तो ये सहनशीलता की बात प्रैक्टिकल में शून्य बजाया वृक्ष, सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि का वृक्ष एक है और उसका मूल बीज एक है। तो जो बात उस मूल बीज में नहीं होगी वो दूसरे किसी पत्ते में हो सकती है, नहीं हो सकती। इससे साबित होता है कि बीज में सहनशीलता का भी आकार है। और सामना करने की शक्ति भी उस बीज में है। और प्रश्न तो ये बना, तो सहनशीलता का बात तो सुप्रीम सुप्रीम ने बजाया दादा लेकर दुआ है ना, लेकिन जो बीज है उसमें सबके बाप का पार्ट भरा हुआ है, वो सबका बाप है, एक का नहीं, 500-700 करोड़ पार्टदारियों का बाप है। बाप माना ही जन्मदाता, और
जो पूछते हैं बाबा, तो कौन सी खास विशेष की कारण है, कौन सी विशेष खास खास क्या विशेषता के कारण, मतलब क्वालिटी के कारण, क्वालिटी के कारण सुप्रीम सोच शिव ने तो माँ की बात बजाने के लिए मेघराज को शरण प्रिया चुना दिया। और बाप पिता अरे बताया, ब्रह्मा एक नहीं है, कितने हैं ब्रह्मा? पांच ब्रह्मा है, उनमें परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म तो प्रजापिता है। कैसे हो गया ब्रह्मा जब सहनशीलता ही नहीं है? शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान का बीज धारण कराने के लिए किसको माता के रूप में चुनता है? तो माता पहन कौन हुई? हाँ जी, मत योनि ही परम ब्रह्म है। मेरी जो माता है जिसमें मैं बीज डालता हूँ वो परम ब्रह्म है, महत ब्रह्म है। महत माने भी बड़ा और परम माने भी बड़ा। जिसमें मैं बीज डालता हूँ वो ही धारण कर सकता है, वो ही सहन कर सकता है उस बीज को। दूसरी कोई आत्मा उस बीज को सहन नहीं कर सकती है। सही बात, तो शिव शंकर को ही श्रेष्ठ प्रवृत्ति बता दी, वो तो सही शिव शंकर। लेकिन लेकिन कौन सी बहुत बड़ी विशेषता यानी खास विशेषता के कारण जो वीरेंद्र को चुना, बाप को मानता हूँ, कौन सी खास विशेषता बड़ी विशेषता के कारण तो वीरेंद्र को माना, लक्ष्मी नामधारी वीरेंद्र को बाप द्वारा बाप की तरफ सतगुरु की पाठ बजाने के लिए ऐसे लेखराज को माँ की पाठ बजाने के लिए, अम्मा की पाठ बजाने के लिए उनको सुना लिया। वीरेंद्र कहाँ से आ गया? यानी थोड़ी प्रजापिता को दूसरे वीरेंद्र यानी प्रजापिता तो लौकिक नाम तो दादा लेखराज को ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा है। अरे कौन सी मुरली में बताया है? मुरली में तो नहीं बताया बाबा। वीरेंद्र माने प्रजापिता, प्रजापिता माने वीरेंद्र। लखीराज के बारे में तो बताया कि बाकी का लेख लिखने वालों का राजा, सो तो वेदवाणी में लिख दिया। जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली उस वेदवाणी में भाग्य का लेख लिखा हुआ है, इसे तो कोई इनकार नहीं करेगा। और बाबा इस समय जगदम्बा का पाठ शुरू होते हैं है? इस समय जगदम्बा का पाठ शुरू होते हैं ना? इस समय यज्ञ के आज में नहीं है? यज्ञ के आज में जगदम्बा नहीं थे? क्यों? जो पहले पत्ते की अम्बा है वो 500-700 करोड़ की अम्बा नहीं थी है? तो फिर ये कैसे कहेंगे कि अभी है जगदम्बा, उस समय नहीं थी? समय उसका क्या पार्ट है पूछ रहे? उस समय उसका यही पार्ट है कि पहले ब्राह्मण को जन्म देती है। जो पहले ब्राह्मण की माँ है वो दुनिया के जितने भी ब्राह्मण बनेंगे ब्रह्मा के बच्चे उन सब की मां है। पहले ब्राह्मण को जन्म किसने दिया? आदि माता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। जो प्रजापिता पहला ब्राह्मण है
कि जन्मदात्री कौन? जगदम्बा। जगदम्बा तो जगदम्बा यज्ञ के आदि में भी थी, अभी भी है, अंत तक भी रहेगी। जिसने तो भीम को मना, एकलव्य को शिक्षा देने के लिए मना किया, उसका पाठ ब्राह्मणों के दुनिया में किसका है? द्रोण माने गड़ा कुंभ, और आचार्य माने शिक्षा देने वाले। ये कुंभ है, इस कुंभ का आचार्य है, ज्ञान कलश का आचार्य है, कभी भी कोई भी यज्ञों पर भी तो शादी आदि हो, कोई भी क्रिया कर्म होता है तो कुंभ स्थापन करते हैं, उस कुंभ में जल भरते हैं, वो कुंभ मूर्ति मिट्टी का होता है, या तो कोई भी मेटल का होता है, मिट्टी के पात्र में जब जल भर दिया जाता है तो वो कुंभ कहा जाता है, उस कुंभ का भी वो आचार्य बन गया। द्रोण माने कुंभ, कुंभ का आचार्य। अब बताओ वो कुंभ कहो, ज्ञान कलश कहो, भगवान ने किसको सौंपा? सौंपा तो कन्या माताओं को, माने लक्ष्मी को सौंपा, लेकिन कन्या माताओं के हाथ से फिर वो विद्वान पंडित आचार्यों के हाथ में कैसे आ गया? बांटने का काम दिया लक्ष्मी को जी, लेकिन लक्ष्मी के हाथों में दिया किसने? धनवंतरी। उसका नाम क्या दिया है? धनवंतरी ज्ञान कुंभ लेकर के आया। तो सागर में से जो निकला धन्वंतरी, सागर ने किसको दिया? धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी के हाथ में से लेकर के किसको दे दिया? लक्ष्मी के हाथ में दे दिया। तो धन्वंतरी कौन हुआ? वो धन्वंतरी ही होना चाहिए। जो पुरुष गुरु होते हैं वो धनवानों को मान्यता ज्यादा देते हैं। द्रोणाचार्य ने किसको मान्यता दी? राज पुरुषों को मान्यता दी, गरीबों को मान्यता नहीं दी, महत्व तो नहीं दिया। गरीबों को मान्यता देना
साहूकारों को न देना, इसमें मुकाबला ज्यादा करना पड़ेगा संसार का, या साहूकारों को जो ज्यादा महत्व देता है, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देता, उसको दुनिया का मुकाबला ज्यादा करना पड़ेगा। साहूकारों को जो सपोर्ट करते हैं उनको दुनिया का मुकाबला ज्यादा नहीं करना पड़ता है। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसे तो परवाह नहीं है कि दुनिया कितना अपोजिशन करेगी। तो बेचार में नहीं आया ना, पता नहीं पड़ा कौन लौड़ा चेहरे है, लौड़ा चेहरे कौन है अभी तक नहीं आया। अरे दादा लेखराज ने आश्रम के अंदर जो भी भट्टी में आए यज्ञ के आदि में जी, वो साहूकार आए या गरीब आए, और आज भी वहां साहूकारों को स्थान है या गरीबों को स्थान है, साहूकारों को स्थान है। भील को धक्का मिला, धक्का देने वालों का मुखिया कौन है? और यहां तो एक भील की बात ही नहीं है, नंबर वार भील, सारे नंबर वार भील है। छत्तीस प्रकार के भोग खाने वाले यहां कौन बैठे हैं, कोई है नहीं। कोई करोड़पति नहीं है। और एक मुनि ने कहा ज्ञान को फल नहीं कहा जाता, ज्ञान से सिर्फ बात का पहचान मिलता है और योग को बल कहा जाता है। लेकिन बाबा मुरलियों में बाबा कहते हैं ना, रिते तो शास्त्रों में भी कहा है रिते ज्ञानानुमुक्ति, ये नहीं कहा रिते योगानुमुक्ति। मुक्ति अलग बात, और जीवन मुक्ति अलग बात। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान होगा उतना जास्ती बड़ा साहूकार बनेगा। और जिसके पास जास्ती धन होता है वो जास्ती सुखी होता है, ये जिसके पास धन नहीं होता है वो सुखी होता है। धन द्वारा ही सुख मिलता है, धन के द्वारा ही सुख मिलता है। तो सुख का कनेक्शन जीवन मुक्ति से है। ज्ञानी है तो मुक्ति भी पा सकता है दुखों से और सुख प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है तो सुखी नहीं हो सकता। अज्ञान अंदर कांपते रहने वाला ठोकर ही खाता रहता है। तो ज्ञान बीज है, ज्ञान तक मुक्ति का भी बीज है। ज्ञानी है तो दुखों से मुक्ति मिल सकती है, अशांति से मुक्ति मिल सकती है। ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है तो दुख और अशांति से मुक्ति नहीं पा सकता। ज्ञान से कनेक्ट नहीं रहा, ज्ञान बीज है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है
हृदय ज्ञान अन्न मुक्ति महाभारत अश्वत्थाम और द्रोपाचार्य ये तीनों है ना बाबा, तो कौरव के पक्ष में, कौरव के पक्ष में युद्ध किया और फिर अंत में वो बचा है सुरक्षित हुआ, कैसा संभव, ऐसा कैसा संभव? दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों का बीज रहता है या नहीं रहता है? बस अच्छे का भी बीज है, कुकुरे का भी बीज है, तो बीज तो कभी विनाश, दुनिया में बीज का विनाश होता ही नहीं, मर्ज अमर्ज हो सकता है, कभी बुराई मर्ज हो सकती है, स्वर्ग में बुराई मर्ज हो जाएगी, अच्छा ही मर्ज हो जाएगी, और नरक में अच्छाई मर्ज हो जाए, बुराई मर्ज, अच्छाई बिल्कुल मर्ज नहीं होती, अच्छाई माने सच्चाई, सच्चाई का बिल्कुल नाश नहीं होता, लेकिन अल्प अल्प हिस्से में रह जाती है, बुराई बड़े रूप में आ जाती है, और जो जो नरक की दुनिया बढ़ती जाती है बुराई बढ़ती जाती है, सच्चाई स्वल्प रूप में रहती जाती है, और रचेता है और सारा परिवार रचना है, बच्चों के पहले अपनी पत्नी को रचना, रचना माता है, पहली रचना, पहली रचना माता है, तो स्त्री को एडॉप्ट करता है तो मेरी को, उस स्त्री के रोगों को जानने वाला और कोई नहीं हो सकता, पुरुष है, तो पहली, तो पहली रचना भी बनी है, पहली रचना भी बनी बननी हाँ, तो उससे जो पहला बारस घर निकला वो हुआ पहली रचना, उससे जो पहली रचना हुआ वो हुआ पहला बारस घर, ठीक है, तो यह हुआ पहली रचना पत्नी के रूप में जगदम्बा हुआ, और पहला बारस घर, पहली रचना जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा भी बच्ची है किसी की, मुरली का पॉइंट भूल गए क्या, जगदम्बा ब्रह्मा की बच्ची है या नहीं है? अरे जगदम्बा किसकी बच्ची है? जगदम्बा माने बाकी बाबा तो आदि माता है, हाँ वो किसकी बच्ची है? वो भी प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची है, फिर ये प्रजापिता जो है वो शिव की बननी है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति वहां से शुरू हुई, परंतु शिव जो है वो निराकार है, तो जिसमें प्रवेश किया वो बननी भी है और वो रचयिता भी, एक ही रूप में दोनों है परंतु प्रत्यक्ष नहीं है, गुप्त है, उसका प्रत्यक्ष रूप संक्षेत्र में प्रत्यक्ष होता है, स्त्री को अडॉप्ट करता है, कहता है तुम मेरी को, और स्त्री को जानने वाला और कोई नहीं हो सकता, उस बीज में जो षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज है उसके रोम रोम को जानने वाला कौन है? कौन है? शिव है।
प्रवृत्ति में रहते बाप ने योग सिखाया माना उसको प्रवृत्ति कर सकते आदि बच्चे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, बच्चे साकार हैं, तो पढ़ाने वाले गुरु को भी क्या बनना पड़े? साकार बनना पड़े। तो ये कह रहे कि 100 साल के बाद ब्रह्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है तब असली पूजा होती है। पैदा कहाँ से हुआ था? दादा लेखराज ब्रह्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान कहाँ से हुआ था? कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, आदि में मिला, आदि माता से हुआ ना। लेकिन 100 साल के बाद क्या बोल दिया? 100 साल के बाद ब्रह्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है। ब्रह्मा जगदम्बा? ब्रह्मा प्रवेश करती है जगदम्बा में, प्रवेश करती है जगदम्बा में नहीं, हाँ साहूकार के पास। जगदम्बा साहूकार है। 87 में प्रवेश किया ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने के बाद जगदम्बा में प्रवेश किया ना। हाँ तो जगदम्बा जो है वो जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल पत्ते के रूप में है, लेकिन उसमें बीज को डालने वाला कौन है? इसलिए बोला उसके बाद उन्होंने तब पहला वारसदार बना। गांधी मरा जाकर के राजकोट में कोई बड़े साहूकार के यहाँ जन्म लिया, बड़े साहूकार के पेट में जन्म लिया, ऐसे नहीं बोला। कहाँ लिया? बड़े साहूकार के घर में जन्म लिया। तो घर कौन है? जगत पिता का घर कौन है? जगत पिता ने बीज डाला है ना? है? जगत पिता ने बीज डाला। हाँ जी। तो पहला वारसदार बना। हाँ जी। वरदेश्वर माने ब्रह्मा। हाँ। यहाँ के प्रभु कृष्ण इन दोनों से पैदा हुआ, सचिव में लक्ष्मी नारायण से कैसे जन्म हुआ? वो पैदाइश जो है वो पैदाइश नहीं कही जाती, जो बीज पड़ता है माता के अंदर, निर्जीव गर्भ पिंड पैदा होता है या सजीव होता है, वो पैदाइश कहेंगे। बाद में उसमें सोल प्रवेश करती है, तब कहा जाता है बच्चा पेट में आया। तो ऐसे ही है उसका माँ बाप जगत पिता जगत माँ है। ब्रह्मा का माँ बाप जगदम्बा ने सुनाया जरूर, लेकिन ब्रह्मा ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी माता ने जब सुनाया तब उनकी बुद्धि में बैठा। इसका बच्चा होगा सत्य है, लक्ष्मी का बच्चा है। अब तो विश्वास जब लक्ष्मी पर है, जगदम्बा के पास पर विश्वास नहीं है, तो असली जगदम्बा कौन है? जगदम्बा असली जगदम्बा तो लक्ष्मी है। पहले भारत है या पहले जगत है? जगत को भी जन्म कहाँ से मिलता है? जगत की आत्माएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के फॉलोअर्स है, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि को जन्म कौन से देश से मिलता है? भारत। तो असली जगदम्बा तो वो है। तो जब तो विश्वास उस पर है, तो जगतम पितरम कहा जाता है। जब लक्ष्मी पर विश्वास है, जब लक्ष्मी की बातों पर विश्वास है कि वो कृष्ण माता ने सच है, ऐसा विश्वास हुआ ना लक्ष्मी, लक्ष्मी के जब कहने से कि तुम कृष्ण बनते हैं सचिव में विश्वास पैदा हुआ, इसलिए लक्ष्मी नारायण से जन्म हो रहा है। तो जब शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा ने, तो
जगदम्बर ने क्यों प्रवेश किया, जब उसको विश्वास नहीं है उनने जो क्यों प्रवेश किया, लक्ष्मी ने क्यों नहीं प्रवेश हो सकता। ब्रह्मा कनेक्टेड है ना बुद्धि, ब्रह्मा का बुद्धि कनेक्टेड है लक्ष्मी से, लक्ष्मी पर विश्वास है दादा, लक्ष्मी पर बोलने के लिए बोल बोल करने वाला देह अभिमानी होता है या आत्मा अभिमानी होता है, बोलो ना। तो दोनों आत्माओं में देह अभिमानी आत्मा कौन सी है और आत्मा अभिमानी है कौन है? लक्ष्मी है आत्मा अभिमानी और जगदम्बा है सेक्टर धर्म की। तो विश्वास नहीं हो तो उसने क्यों प्रवेश किया है? जब ब्रह्मा को विश्वास नहीं है बोलने वाले पर, वो तो जानता है ना, वो जानता है असलियत को, जानता है कि जो बीज पड़ता है गर्भ में वो बच्चा नहीं है। दुनिया देहधारी को बच्चा समझती है, दुनिया देह को बच्चा समझती है या आत्मा को बच्चा समझती है? देह को समझती है। तो वो तो जानता है ना कि असलियत कौन है, असलियत जगदम्बा है या असलियत लक्ष्मी है? असलियत लक्ष्मी है। तब उसका उसका प्रवेश लक्ष्मी क्यों नहीं होता? जब महालक्ष्मी पाठ कहा जाता है तो महालक्ष्मी में देह कौन है और आत्मा कौन है? आत्मा तो लक्ष्मी माना, आत्मा लक्ष्मी है। तो शिव जो है वो अहमियत आत्मा को देगा या देह को अहमियत देगा? शिव आत्मा, ये तो शिव की बात नहीं बाबा, वो पूछ रहा है ब्रह्मा की प्रवेश का लक्ष्मी में क्यों नहीं होता है? ब्रह्मा की व्यवस्था क्यों लक्ष्मी में होगी और क्यों जगदम्बा में? जगदम्बा में तो तब होती है जब जगदम्बा तामसी बन जाती है, लक्ष्मी में क्यों होगी? लक्ष्मी तो छोटी माँ है, जगदम्बा बड़ी माँ है, बड़ी माँ में बाबा प्रवेश करेगा, बाबा के साथ माँ कौन थी? ब्रह्मा बाबा के साथ माँ कौन थी? जब आदि में, जब आदि में उसका पैदाइश लक्ष्मी से हुआ, आदि में हुआ ना बाबा, लक्ष्मी के बातों पर विश्वास आ गया ब्रह्मा, तो जब शरीर छोड़ता है जो उनकी बुद्धि से कनेक्टेड है, उनके दिल पर किस पर विश्वास है उनमें प्रवेश करना है ना, ज्यादा लेकर उसको हाँ। जिस पर विश्वास है, जिस पर जिस माता पर सात्विक स्टेज में किस में विश्वास था? सात्विक स्टेज में तो लक्ष्मी करता, तो फिर तो तामसी करने का 66 में वो भी ज्ञान में आई, और सन 66 में जगदम्बा का भी शारीरिक जन्म हुआ, तो किस पर विश्वास बैठा हुआ था ब्रह्मा को? लक्ष्मी विश्वास बैठा हुआ था, इसलिए नाम भी दे दिया बदल के, नाम बदल दिया, रंजना नाम नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा कर्म के आधार पर नाम है, वेदों का अंत करने वाला, वेद शास्त्रों का अंत करने वाला। तो तामसी करने के कारण जगदम्बा भी प्रवेश हुआ। हाँ जी, दादा देख रहा था अभी तामसी स्टेज में है, इसीलिए वो जगदम्बा में प्रवेश कर रहा है। हाँ जी, जितने भी बड़के हैं उन सभी रुद्रों में महारुद्र प्रवेश करता है, शिव नहीं प्रवेश करता है, मम्मा बाबा तुम सब बच्चों में प्रवेश करते हैं,
सेवा नहीं सब में प्रवेश करता है। मम्मा बाबा तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। और तो मेरा ब्रह्म स्वामी की एक बात है बाबा। अरे माउंट आबू में, माउंट आबू के जितने भी गांव में रहने वाले भील हैं, वो कौन से बाबा को मानते हैं? वीर बाबा को मानते हैं। तो वीरता का पार्ट बजाने वाला महावीर कौन है? जो महावीर है वो वीर बाबा, न कि इंद्र देवता महावीर है, है? तो ब्रह्मा है ना बाबा। वीरता का पार्ट बजाने वाला वो ही महावीर कहा जाएगा। थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया, अब दिल को ठेस लग गई और ढेला बिखर गया मिट्टी का, तो ये वीरता का पार्ट हुआ है। मुरली में तो बोला हुआ है, क्या बोला है? जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल नहीं हो सकता। कोई बैठ जाता है, किसी के दिल में कोई बैठ जाता है तो वो सारे कर्म किसके लिए करता है? जो दिल में बैठ जाता है उसी के लिए करता है। तो पहली बात दिल में बैठने की है या पहली बात कर्म करने की है? पहले है दिल में बैठना। शिव बाबा दिल वाला है, दिल में बैठ जाता है, कर्म ऑटोमेटिकली अच्छी हो बाबा के लिए होगी। सहज योग जो मनमना को बनते हैं वो सहज योगी बनते हैं ना, सहज योगी, हाँ सहज योगी बनते हैं ना। लेकिन अव्यक्तवाणी में तो ब्रह्मा ने, अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा ने बताया जो जितना कितना सहयोगी बनती है वो उतना उतना सहज योगी बनती है, सहज योगी बनती है। मान लो एक माता है तो माता ज्ञान में चलती है, उसका पति तो ज्ञान में नहीं चलता है। अव्यक्तवाणी ने बोला जो जितना योगी उतना ही बड़ा सहयोगी, ऐसी बात है। हाँ जी आपने उल्टा बोल दिया, जो जितना बड़ा योगी माने जो जितना बड़ा मनमना भव वो उतना बड़ा सहयोगी माने मत जाती। आजकल दुनिया में क्रिश्चियन बहुत शौकर बन गए हैं, आजकल दुनिया में क्रिश्चियंस बहुत शौकर बन गए, क्यों बाबा? साहूकारों की लिस्ट निकली है दुनिया में, पहले ये साहूकार था, बाद में ये व्यक्ति साहूकार दुनिया का बना, बाद में फिर ये साहूकार बना। उस लिस्ट में अलग अलग देशों के नाम के व्यक्तियों की है या एक ही व्यक्ति एक ही देश के व्यक्ति का नाम, और वो व्यक्ति विदेशी है ज्यादा तादाद में या स्वदेशी है? विदेशी है ना। अपने ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखा जाए ज्ञान धन के आधार पर, जब रिजल्ट निकलेगा तो संग भी कृष्ण है,
विदेशी हुआ या स्वदेशी हुआ? विदेशी क्या हुआ? विदेशी हुआ, बाप विदेशी बन करके आए हैं। तो जब बाप ही विदेशी बन करके आए हैं प्रजापिता के द्वारा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा बेहद का साहूकार है, तो दुनिया में भी जो साहूकार होंगे वो विदेशी होंगे या स्वदेशी होंगे? विदेशी होंगे। अपने आधार कुंड में प्रवेश करते हैं, तो उनका शूटिंग संगम युग में होता है, उनका शूटिंग संगम युग में होता है। तो धर्म पिता और आधार कुंड का संगम युग में कैसा कनेक्शन होता है? इब्राहिम बौद्ध और उनके धर्म आधार मूर्तों का संगम युग में कैसा कनेक्शन होता है? उल्टा हो जाता है। वहां वो ऊपर से आने वालों ने प्रवेश किया, और यहाँ जो नीचे वाले हैं कहे समझे जाते हैं, वो परमात्मा बाप का ज्ञान लेने के कारण नीचे हो जाते हैं, ऊंची स्टेज वाले हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में तीखे हो जाते हैं, इसलिए ये उन्हें प्रवेश करते हैं। उसको मुरली से प्यार, मान मुरलीधर से प्यार है। हाँ। तो बताए। लेकिन अव्यक्तवाणी जो जब ब्रह्मा को मना मौका मिला तो अव्यक्तवाणी चला चला है ब्रह्मा ने, तो वो वाणी इतना पसंद नहीं दिया, मना इतना भी नगर लगा था। मतलब तो अव्यक्तवाणी तो देवता मना ब्रह्मा वो देवता बनने वाले, वो तो देवता की वाणी मान उसमें धारणा होती है, ठीक है। तो धारणा में मुख्य धारणा है प्यूरिटी, ठीक है। तो हम तो रुद्रमाला वाले अपना तो लंगड़ा है, मतलब प्यूरिटी में कमी है। लेकिन तब हमको अव्यक्तवाणी बहुत पसंद होना है ना, तो मुरली से क्यों अव्यक्तवाणी बहुत पसंद होना है? धारणा की बात क्यों नहीं? अव्यक्तवाणी बहुत पसंद होना है ऐसा मुरली में बोला? नहीं बोला, मुरली में जादू है। मुरली में तो बोला मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार जी। ऐसे नहीं कहा कि धारणा से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, ऐसा बताए। लेकिन तो हम तो रुद्रमार तो नंगड़ी है ना, तो धारणा हमारी आत्मा जो ब्रह्मा जो चला बाप आता है वो लूले लंगड़ों से ज्यादा प्यार करता है या पवित्र रहने वाले सन्यासियों से ज्यादा प्यार करता है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बाप का प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? बाप का प्यार चाहिए बाबा। तो है ना बाबा, मन अव्यक्तवाणी क्यों इतना पसंद नहीं था? क्योंकि तो धारणा में पहला धारणा तो पवित्र है ना, पवित्रता है ना, तो जरूर तो वो वाणी प्यार होना चाहिए जो लूले लंगड़े वाले को जिसमें प्यूरिटी नहीं है। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण समझता है। मुरली में क्या बोला और तुम क्या बोल रहे? तो सही बोला। तो तुम क्यों ऐसा बोल रहे? मुरली से ही पहले से हमको प्यार है। मुरली से ही हमको पहले से हम प्यार है। हाँ। अव्यक्तवाणी सुनने से इतना मजा नहीं आया नहीं था। अब आना चाहिए ना, अब आ रहा है ना अव्यक्तवाणी से, अभी भी इतना नहीं प्यार है। हाँ, तो बाबा कहाँ कहते हैं
कि मूली से प्यार ज्यादा न रहो। मूली से क्या होना चाहिए? मूली से प्यार चाहिए सो है। और दिखाते हैं कि शंकर की बारात में भूत प्रेत भी जाते हैं। तो जब शंकर की बारात में भूत प्रेत भी जाएंगे माना जब नारायण वाली आत्मा लक्ष्मी को वरण करेगी तो भूत प्रेत वाली आत्माएं भी जाएंगी क्या? अरे भूत प्रेत वाली आत्माएं भूत प्रेत बनी रहेंगी या वो भूत प्रेत से बदल जाएंगी? भूत प्रेत ही बने रहे तो क्या फायदा हुआ? और भविष्य का पाठ में जो ऐसे नहीं कहा है कि दादा को फॉलो करो, कहते हैं कि फॉलो फादर एंड मदर। और पुरुषार्थ साकार में दिखाई देते हैं तो साकार बाप को फॉलो करना चाहिए। साकार है कि आकारी है? ऐसा तो नहीं तुम्हारी समझ में फेर है। वो साकार है, साकार पेट के लिए मर रहा है जिंदगी में, या आकारी है? जो साकारी होते हैं वो किसके लिए मरते हैं पहले? वो साकारी पेट के लिए मरते हैं। और जो है आकारी वो बुद्ध रूपी पेट के लिए मरेगा, प्रयत्न करेगा, या साकारी पेट के लिए प्रयत्न करेगा? तो बाकी भ्रम तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसे पुरुषार्थ माना, पुरुष माने क्या? आत्मा के लिए तो पुरुषार्थ और शरीर है। अगर शरीर के लिए किया जाए तो पुरुषार्थ नहीं है, और आत्मा के लिए किया जाए तो पुरुषार्थ है। हाँ तो पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता है कर्मों पर, है जैसे जो कर्म करते हैं। हाँ हाँ वो दिखाई देता है ना, वही पुरुषार्थ है ना। तो दिखाई नहीं दे रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं ना? दिखाई दे रहा है। हाँ। इसको फॉलो करना है वो आंखों से दिखाई देता है। ऐसे कह दिया इसको फॉलो करने के लिए पानी में बोला है कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है क्या? क्योंकि ब्रह्मा की कर्म प्रैक्टिकल में दिखाई देते थे, और जो बाप के कर्म है वो प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देते हैं, और उनका प्रभाव क्या होता है वो भी दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई नहीं देता तो मुरली जी क्यों कहे कि जैसे वो पुरुषार्थ करते हैं फादर एंड मदर? हाँ तो फॉलो करना है। हाँ तो दोनों का नाम दे दिया ना, फादर की है। हाँ माँ का भी नाम दे दिया तो फादर में दिखाई नहीं देता है। हाँ दिखाई नहीं देता है वो, उसमें ब्रह्मा भी तो है। वो ब्रह्मा नहीं है जिसने कर्म करके दिखाए। अपने हल से धारण रूपी कन्या को कन्या को चीरता है। अपने हल से धरणी की धरणी अपने हल से ब्रह्मा वाले आत्मा को बलराम कहते हैं। वो अपनी राम का बल, जी जी हाँ, जो बच्चा होता है वो बाप का बल होता है, जी जी, इसलिए नाम दे दिया बलराम।
बलराम। हाँ, अपने हल से धरणी रूप की कन्या को चीरता है। हाँ, और उसको ज्ञान की ज्ञानी नदियों को वो उनकी प्रवाह को प्रवाह ज्ञान को तक करता है, रोक करता है, ज्ञान जनों को रोक देता है। रोक करता है। भाई को प्रश्न है, क्या यह कल्याणकारी था या अकल्याणकारी? जो बच्चा बुद्धि है वो कल्याणकारी हो सकता है, या जो सालिम बुद्धि है वो कल्याणकारी हो सकता है? तो बच्चा बुद्धि उल्टा करेगा या सुल्टा करेगा? बच्चा बुद्धि है वो उल्टा करेगा, और जो बाप है वो सुल्टा करेगा।